उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का दायित्व कौन निभाएगा? उपराष्ट्रपति का कोई नहीं निभाएगा। दोबारा से दोबारा बोल रहा हूँ, उपराष्ट्रपति पद का कोई दायित्व नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? उपराष्ट्रपति पद का दायित्व ही यही है कि अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करें, राष्ट्रपति की तरह करें। तो उन ये याद रखना, इसी तरह के वर्ड प्ले से क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्ले समझते हो ना, शब्दों के हेर फेर से क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी, ठीक है? कि उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में अपना दायित्व निर्वाह कर रहा था, उसकी जगह पर डिप्टी चेयरमैन अपना काम करेगा। डिप्टी चेयरमैन ही यानी कि उपसभापति है ना, वो क्या कर रहा होगा, वो राज्यसभा को संबोधित करने का काम सारा वो देखेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाता तो इसका मतलब अगर उपराष्ट्रपति जो है डॉक्यूमेंट संभाल देता है, जैसे सपोज तीन लोग, दिखाई देता है इसमें, तीन लोग हैं ए बी और सी, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ये है वाइस प्रेसिडेंट, केवल वाइस प्रेसिडेंट है या कुछ और भी है? चेयरमैन और किसके चेयरमैन है? राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और ये सी व्यक्ति है, ये डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब लेट अस सपोज एक की तबीयत खराब हो गई, ए ने प्रेसिडेंट वाली पोजीशन को छोड़ दी, ठीक है, अपने इलाज के लिए चले गए, तो ऐसे में इनकी जगह पर कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में आया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? और क्योंकि इनके पास दो पद हैं, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, ठीक है, तो अगर इनके पास दो पद थे और अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, यानी कि अब यह राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रह जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इनके दोनों पद चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। लेकिन पहला वाला पद, इस पर तो कोई कार्यभार था नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी थी नहीं, तो पहला वाला पद चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटी है ही नहीं अकॉर्डिंग टू संविधान। संविधान में अलग से वाइस प्रेसिडेंट की अलग से कोई ड्यूटी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ही वो आदमी होता है जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसकी जो ड्यूटी है वो चेयरमैन के रूप में। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंट बन गया, इनकी इनका पद खाली रह गया है ना, तो यहाँ से दो पद खाली हुए, वाइस प्रेसिडेंट का भी और राज्यसभा के चेयरमैन का भी। देखा जाए जब एक व्यक्ति जो इस पद पर काम कर रहा था है ना, हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई इसका ऑफिस नहीं होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में है वहां पर और राज्यसभा की जिम्मेदारी कोई निभा रहा है, ऐसे में जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में चला जाएगा तो डिप्टी चेयरमैन यानी कि सी वाला जो आदमी है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका यह मतलब नहीं है कि जो सी वाला आदमी है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, यह गलत है। अब वो नया उपराष्ट्रपति नहीं बन गया, वो क्या बन गया है? चेयरमैन बन गया, वो इसका कार्यभार उठा रहा है, चेयरमैन बना भी नहीं है ना, कार्यभार जो है चेयरमैन वाला वो कौन खा रहा है? डिप्टी चेयरमैन। क्या मेरी बात इतनी समझ आ गई? कुछ तो नहीं, इस तरह का बराबर याद रखना, ठीक है, याद रखना कि जो सी है अब वो चेयरमैन कितना काम कर रहा होगा, डिप्टी चेयरमैन का काम ही होता है कि अगर चेयरमैन एब्सेंट रहे, अगर चेयरमैन यानी कि अगर जो अध्यक्ष है वो एब्सेंट रहे, तो जो उपाध्यक्ष का काम यही है कि राज्यसभा को संभालना, तो राज्यसभा को संभालने का काम है, राज्यसभा को संभालना है, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर उसे नहीं जाना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बात समझे? इतना नोट करने से बताना चाहिए आता है। उपराष्ट्रपति कौन है? कोई नहीं, उस समय उपराष्ट्रपति कौन है? कोई नहीं, ठीक है, अच्छा।
निम्नलिखित में से किसका इलेक्शन उसके पद के लिए होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या मेरी बात क्लियर है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन इलेक्शन निर्वाचन प्रेसिडेंट का होता है। किसका नहीं होता है? प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है वह डिसाइड करती है कि किसे सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो याद रखना कि पीएम का इलेक्शन जो है वो पीएम की तरह नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री है ही वॉज नॉट इलेक्टेड एज पीएम, ठीक है, उनका निर्वाचन पीएम के रूप में नहीं हुआ था, उनका निर्वाचन सांसद के रूप में हुआ था, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन प्रेसिडेंट जो है जिसके ऊपर मैं दे रहा हूं वो आप अध्यक्ष रूप से चुना गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, आप अध्यक्ष रूप से चुना गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, आप अध्यक्ष रूप से चुना गया, आप अध्यक्ष निर्वाचन। आप अध्यक्ष निर्वाचन का क्या मेरे पास संख्या थी? पीएम के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अरे पीएम के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? कोई नहीं। पीएम को तो पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर मंत्रिपरिषद का हेड बना ली होती है। क्या मेरी बात समझ रहे? कभी कभी चुनाव के पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अगर हम जीत जाएंगे तो पीएम कौन बनेगा, और कभी कभी चुनाव के बाद डिक्लेयर करते हैं। क्या मेरी बात समझ आती? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ आ रहा है? डाइजेस्ट करने मुश्किल हो रही है लेकिन सही बात यही है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने क्या बोला? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, पीएम का नहीं होता है। तो कौन लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को? निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। दिखाई दे रहे साहब सर? ठीक है, ये कौन सा कॉलेज है भाई? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। ये कौन सा मंडल है? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। अगर हमारा अवसर तो इसी कॉलेज में पढ़ते, राष्ट्रपति के चुनाव में अवसर है ना, चुनने का मौका मिलता राष्ट्रपति को। कौन सा कॉलेज है ये? एक ऐसा समूह है जो किन लोगों से बना है? तीन प्रकार के लोगों से बना है। पहला तो है निर्वाचित सांसद, जो रिकॉर्ड वैसे ही किए गए, एक भी शब्द गलत नहीं किए गए। ठीक है, वरना फिर कहोगे कि अरे ये तो गलत हो गया, वो गलत हो गया। निर्वाचित सांसद केवल सांसद नहीं लिखा है, निर्वाचित सांसद नहीं। मेरी बात समझे? क्योंकि सांसद भी दो तरह के होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। ठीक है, तो निर्वाचित सांसद, इसके अलावा निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक कहां के? राज्यों के, राज्यों के द्वारा जो निर्वाचित विधायक है वो रहेंगे उसमें। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अट्ठाईस राज्य के निर्वाचित विधायक जो अपने अपने विधानसभा या विधान परिषद
अपने अपने विधानसभाओं में रहेंगे वो चल रहे। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और तीसरा कौन लोग होंगे? कौन सी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन क्या सारे केंद्र शासित प्रदेश होंगे? केवल दो केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी। अब पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाई दे रहा है? अरे बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? वही तो बताने जा रहा हूँ। अब यह बताइए, सोच समझ के बताइएगा, मैंने इसमें क्या लिखा था? विधानसभा। क्या बताया? विधानसभा के निर्वाचन करके विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर किसी राज्य का बनता है क्या बनता है? विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर क्या बनता है? विधान मंडल। लेकिन अब सोच समझ के बताइए कि क्या हर एक राज्य में विधान परिषद अवेलेबल है, उपस्थित है? नहीं है। तो किस आधार पर अवेलेबल है, किस आधार पर उपस्थित? यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। किस आधार पर किसी राज्य में विधान परिषद है? एक तो जनसंख्या का आधार और भी कोई आधार? जिन्होंने ब्रिटिश टाइम से, जहां पर ब्रिटिश टाइम से पहले से ही विधान परिषद थी, वहां विधान परिषद करके मिल रखे गए। और कुछ जगह ऐसी थी जहां विधान परिषद था ही नहीं, खत्म कर दिया गया था। क्या मेरी बात समझ? वहां विधान परिषद नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। तो यानी कि एक बात तो तय है कि कुल मिलाकर कितने राज्य में विधान परिषद है? अच्छा, इसमें छह राज्य है ना, क्योंकि इसमें एक नया विधान के खाली प्रदेश एक और आ गया। कौन सा आ गया? जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। आपको पता है कि सन 2019 के बाद जम्मू एवं कश्मीर को क्या बना लिया गया है? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। और उसमें भी क्या चाहिए? विधानसभा। क्या मेरी बात समझ? तो अब वहां की जो विधानसभा है वो भी इसका पार्ट बन जाएगी, वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और बात करते हैं, विधान परिषद में दोबारा आते हैं। अब यह बताइए, आपने एकदम सही से बता दिया कि हाँ, इन सारे राज्यों में विधान परिषद की किसके साथ जाती? जम्मू कश्मीर में थी पहले, इसके अलावा यूपी में, बिहार में है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये गिने चुने 6-7 राज्य थे जहां पर विधान परिषद थे। अगर केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर विधान परिषदें बन रही होती तो क्या पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। क्या गुजरात में नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, तो गुजरात में जनसंख्या ज्यादा है। क्या बिहार में नहीं होनी? बिहार में तो है वैसे, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सब बड़े बड़े क्षेत्र जहां पर विधान परिषद अभी नहीं है। अब सोचिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और बहुत सारी जगह पर विधान परिषद नहीं है, केवल 6-7 राज्यों में है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो अब हट गया, जम्मू कश्मीर तो राज्य रह नहीं गया, तो उसका भी विधान परिषद खत्म हो गया। 6 ही राज्य बचे जिनके पास विधान परिषद। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे में अगर विधान परिषदों को या अगर विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में भागीदार बना दिया जाएगा, वोटर्स बना दिया जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कुछ राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा जिनके पास विधान परिषद नहीं है? हो जाएगा ना? अरे बोलिए, सभी राज्यों के बराबर वैल्यू है, जनसंख्या के आधार पर वैल्यू है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर विधान परिषद बनी नहीं है।
मेरी बात समझ? क्या एग्जैक्ट जनसंख्या के आधार पर विधान परिषद है? अगर एग्जैक्ट जनसंख्या के आधार पर होती तो विधान परिषद हर एक जगह पर होनी चाहिए, है ना? कहीं पर नंबर ज्यादा होने चाहिए, कहीं पर कम होने चाहिए। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर जनसंख्या के आधार पर नहीं होता तो जहां पर विधान परिषद आवाज आ रही है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर विधान परिषद ज्यादा सदस्यों की होनी चाहिए, और जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर विधान परिषद कम सदस्यों की होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जिन राज्यों में विधान परिषद है अगर उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनेंगे तो ऐसे राज्यों को कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट, कुछ अलग तरह का फायदा नहीं मिल रहा है? क्या मेरी बात समझ? वो राज्य के चुनाव, वो राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा भागीदार बन पा रहा है जस्ट केवल इसलिए क्योंकि उनके यहाँ विधान परिषद है। क्या मेरी बात समझ? और बाकी राज्य जहां विधान परिषद बनी ही नहीं हुई है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में भागीदार उस तरह से नहीं बन पा रहे, बल्कि वो विधायक उतने होंगे। समझ पा रहे हो? दोबारा समझो जो बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अगर विधान परिषद को अलाउ कर दिया राष्ट्रपति के चुनाव में तो उत्तर प्रदेश और बिहार जिसमें अच्छे खासे विधान परिषद के सदस्य होते हैं, है ना, उसका क्या बोलेंगे, उसका डोमिनेशन यानी कि उसका महत्व कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का, और बाकी राज्यों का महत्व थोड़ा सा कम रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ एकदम क्लियर हो गया? इसी वजह से केवल और केवल इसी वजह से ऐसा नहीं है, इसी वजह से विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार नहीं बन सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जहां पर विधान मंडल लिखा हुआ है वह दस आठ है, उसे विधान परिषद कर दीजिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विधान परिषद नहीं, विधान विधान परिषद विधान सभा का, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अब एकदम क्लियर हो गया कि क्यों विधान परिषद को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हर राज्य में बना नहीं हुआ है, जनसंख्या के आधार पर बनना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है ना? जनसंख्या के आधार पर राज्य में विधान परिषद का गठन होना चाहिए था लेकिन वैसा भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर विधान परिषदों को मौका दे दिया जाए, अगर विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनने का मौका दे दिया जाए तो क्या यह बाकी राज्यों के साथ गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बाकी राज्यों के साथ पक्षपात हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? केवल और केवल इसी वजह से विधान परिषद के सदस्यों को अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव से दूर रखना। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस दिन भारत में हर जगह हर राज्य में विधान परिषद बन जाएगी, हो सकता है आगे आने वाले समय में करीब 100 साल 200 साल बाद, तो हो सकता है विधान परिषद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार बने। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या एकदम क्लियर हो गया? अरे बोलो, ठीक है, यही लॉजिक किया जाता है, बस इसी वजह से विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे सही कर लीजिए कि विधानसभा है ना, ये तो जो लोग हैं विधानसभा के निर्वाचन विधायक हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन विधान परिषद के नहीं करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि बाकी राज्यों में या ज्यादातर राज्यों में विधानसभा क्या है, अनुपस्थित है। लिख लो मेरे अपने आपसे, ज्यादातर राज्यों में विधानसभा नहीं विधान परिषद अनुपस्थित है, जबकि विधानसभा जो है हर जगह, ठीक है, कि अनुपस्थित ही लिखे। विधानसभा तो हर एक जगह लेकिन विधान परिषद हर एक जगह नहीं है, इसीलिए अगर विधान परिषद के सदस्यों को मौका दिया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? लिख लिया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मेरी बात समझ आई? इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मतलब ये प्री से लेकर इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाता है कि क्या कर रहा है भाई, क्यों नहीं विधान परिषद के सदस्य को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य तो हर जगह मौजूद ही नहीं है। अगर देखे जाएगा तो जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पर उन्हें किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में उन राज्यों को जहां पर विधान परिषद नहीं है उनके साथ पक्षपात हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी
और उसका दिमाग लगाता है। देखिए राष्ट्रपति को कौन चुन रहा है, क्या केवल संसद चुन रही है? नहीं, संसद यानी सांसद। क्या केवल सांसद चुन रहे हैं? संसद में बैठने वाले को चुन रहे हैं? नहीं, कौन भी चुन रहा है? निर्वाचित विधायक। और क्या केवल निर्वाचित विधायक चुन रहे हैं? नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के लोग चुन रहे हैं, कम से कम दो जहां विधानसभा में। क्या मेरी बात बढ़िया? तो यह दिखा रहा है कि क्या राष्ट्रपति जो है वो क्या केवल संसद का राष्ट्रपति है या संघ का राष्ट्रपति है? मेरी बात समझ? केवल संसद द्वारा चयनित नहीं, केवल सांसदों द्वारा चयनित करके नहीं है, मेरी बात समझ? उसके ऊपर राज्यों की जिम्मेदारी। यही चीज में उस विधानसभा समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे ही नहीं कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव बनाया और वो तुरंत लगा दिया। केवल राष्ट्रपति जो है केवल पार्लियामेंट द्वारा चुनकर नहीं आया, उसके ऊपर जिम्मेदारी है राज्यों की। राज्य के जो विधायक हैं वो भी उसके चुनाव में भागीदार हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, लेट अस सपोज एक कंडीशन सोचते हैं कि निर्वाचित विधायकों को अगर राष्ट्रपति के चुनाव से हटा दिया जाएगा तो क्या संघीय ढांचा कमजोर नहीं पड़ जाएगा? Yes. अरे बोलो, संघीय ढांचा समझाया होगा मैंने, है ना, जो लोग शुरुआत से क्लास आ रहे हैं, संघीय ढांचा कमजोर पड़ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि यह दिखा रहा है कि जितना जरूरी संसद है या जितना जरूरी केंद्र है उतना ही जरूरी राज्य भी है। केवल केंद्र चयनित नहीं है, राज्य द्वारा भी चयनित है। और केवल केंद्र के प्रति से केवल केंद्र के प्रति जवाबदेही नहीं है, राज्यों के प्रति भी जवाबदेही है, राज्यों के प्रति भी जवाबदेही। अक्सर सोचते होंगे कि गवर्नर ने बिल को रिजर्व कर लिया कि राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तब आएगा, राष्ट्रपति कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति को दोबारा से पुनर्विचार के लिए। कभी कभी स्टेट के भी बिल को गवर्नर क्या कर लेता है, रोक लेता है। केरला में भी ऐसा हुआ, शर्त है नहीं करता, बराबर नोट कर लीजिएगा केरला केस, देख के आइएगा केरल में क्या केस चल रहा है, ठीक है, रिसेंट है ना। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के पास जो स्टेट के बिल है, जो राज्य के विधानसभा के बिल है ना, उसे रोक लिया गया है पिछले दो सालों से, 7-8 बिल है, ठीक है। और गवर्नर की शक्ति को लेकर वहां बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, हालांकि वो अलग चीज है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित मुद्दा है कि राष्ट्रपति जो है वो केवल केंद्र का राष्ट्रपति नहीं है, वो पूरे संघ का राष्ट्रपति है। और यह चीज संघीय ढांचे को मजबूत करती है। तो संघीय ढांचे वाले अपने आंसर में यह बात भी लिख सकते हैं कि इसीलिए बोलते भारत राज्यों का संघ, केवल लिख नहीं दिया गया, भारत सच में राज्यों का संघ है, क्योंकि जो राष्ट्र का प्रमुख है वो केवल केंद्र द्वारा चयनित नहीं है, उसमें राज्यों का भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलिए। और कितना हाथ है राज्यों का? जितना सांसद का उतना ही हिस्सा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे राज्य थे, कई सारे विधायक हैं, तो उतना ही जरूरी है विधायकों का, विधायकों की भागीदारी जितनी सांसदों की। अरे बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस बात को नोट करिएगा। देखिए देखिए, देखिए निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ना केवल संसद ब्रैकेट में केंद्र, बल्कि राज्यों को भी बराबर प्रतिनिधित्व मिला है, बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। जो कहीं ना कहीं संघ के या यूनियन के संघीय ढांचे को मजबूत करता है, संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
ढांचे को मजबूत करता है। अब सुनने में बहुत ईजी लग रहा है हिंदी में संघ के संघ के ढांचे, लेकिन असल में बहुत अलग अलग चीज है। संघ होना केवल संघ के ढांचा नहीं है, क्या मेरी बात आ रही है? संघ जो है वो दोनों तरह के हो सकता है, केंद्र के प्रति झुकाव वाला भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह चीज जो है वो संघ के ढांचे को मजबूत कर रही है या कोशिश कर रही है कि जो राष्ट्रपति है उसका झुकाव केंद्र की ओर ही ना रह जाए, या सुनिश्चित कर सकते कि जो राष्ट्रपति है उसका झुकाव केवल केंद्र की ओर ही ना रह जाए। देखो इसका देखो यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का झुकाव केवल केंद्र की ओर ही ना रह जाए। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का झुकाव केवल केंद्र की ओर ही ना रह जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहा है, लिखिएगा इसे, लिखिएगा। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या लिखा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय एकल हस्तांतरी हस्तांतरी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जहां पर जिसमें सांसद और विधायक के मतों का मूल्य एक के बराबर नहीं रहता है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है मत का मूल्य, लिखेगा मत का मूल्य। आप किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं, लेट अस सपोज चलिए तीन लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई इलेक्शन हो रहा है, आपको यही तीन मतदाता है ना। अब इनमें से ऑफकोर्स आपको पता है कि जो दो ही मान लिया कैंडिडेट खड़े हुए हैं, है ना, दो कैंडिडेट्स खड़े हैं यहाँ पर चुनाव में, और ये तीन मतदाता है। अब इनमें से दो जिसका वोट जिसे मिल जाएगा, है ना, दो का वोट जिस प्रत्याशी को मिल जाएगा वो प्रत्याशी विजेता हुआ है, क्या मेरी बात वगैरह। यह हल्का वो वोट है जब इन तीनों के पास एक एक वोट है, यह तभी संभव है जब इन तीनों के पास एक एक वोट है। लेकिन अगर किसी की वोट वैल्यू है, इनकी मैं एक कर दूं, इनकी डेढ़ कर दूं, इनकी चार कर दूं, लेट अस सपोज इनकी एक है, इनकी डेढ़ है, इनकी चार है, इतना मुस्कुरा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कर देता हूं, अगर इनके मतों का वोट वैल्यू जो है मतलब जो है वो चेंज कर दूं, तो या तो मिल भी जाएंगे और या अकेले किसी को वोट दे देंगे तो वह चल जाएगा। अरे भाई इनके मत के वैल्यू है, खड़े जाएंगे इन लोग, खड़े जाएंगे इन लोगों को ध्यान से देख लीजिए। सर्वेश एरिया बहुत मजा आया, प्रदीप, मनीष और आदित्य, सर्वेश, मनीष और आदित्य तीन लोग हैं। सर्वेश के वोट की वैल्यू एक है, मनीष के वोट की वैल्यू डेढ़ है, और प्रदीप के वोट की वैल्यू चार। अब यहाँ पर दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या मेरे पास है, यहाँ पर दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सपोज ए और बी। सर्वेश ने वोट, सर्वेश और मनीष ने वोट किया है ए, क्या मेरे पास किया है, दोनों ने वोट किया है, यह बात सही है,
लेकिन इनके वोट की वैल्यू थी एक, इनके वोट की वैल्यू थी डेढ़, तो एक और डेढ़ कितना हो गया, ढाई हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन अकेले अकेले मनीष ने, सॉरी आदित्य ने किसी और वोट कर दिया जिसे इंटरेस्टेड वोट दिया, और इनके वोट की वैल्यू थी चार। तो कौन जीत जाएगा, ए या बी? बी जीत जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर बढ़ जाएगी, है ना? तो यह बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू एक ही होती है। क्या मेरी बात समझ? जैसे इन लोग की अलग अलग वोट वैल्यू थी, वैसे अलग अलग वोट वैल्यू होती है। इसका आधार क्या है कि हर एक राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है। वैसे तो राज्यों को ऐसा लगता है ऊपरी तौर पर बराबरी, संघ का हिस्सा है ना, तो बराबरी मिलनी चाहिए। मेरी बात समझ? संघ का हिस्सा है तो बराबरी मिलनी चाहिए, लेकिन हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू सेम नहीं है। एमएलए ऑफ गुजरात के वोट की वैल्यू अलग है, एमएलए ऑफ यूपी के वोट की वैल्यू अलग है, एमएलए ऑफ पश्चिम बंगाल के वोट की वैल्यू अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? जो विधायक है अलग अलग जिला के, उनके वोट की वैल्यू अलग है, और वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो क्या इजी चुनाव रहेंगे? ये पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया वोट वैल्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां के विधायक का वोट वैल्यू ज्यादा होगा, मतों का मूल्य ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी, वहां के विधायकों की वोट वैल्यू कम होगी, मतों का मूल्य कम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी बहुत सिंपल सी बात है कि दो विधायक जो लेटर सपोज नहीं कर लेते, यूपी का और राजस्थान का, यूपी और राजस्थान में जनसंख्या कहां पर आता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान की जनसंख्या कम है, तो यहां के विधायक की वोट वैल्यू ज्यादा होगी और राजस्थान के विधायक की वोट वैल्यू कम होगी। लेटर सपोज ऐसा सपोज करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि है ही ऐसा, लेकिन अभी सपोज करके काम चल रहा है। तो क्योंकि यहां के विधायकों की वोट वैल्यू ज्यादा है ना, और राजस्थान के विधायकों की वोट वैल्यू कम, मत कम है, कम है, तो क्या आपको लग रहा है यहां के विधायकों की राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा भागीदारी हो जाएगी और राजस्थान के विधायकों की राष्ट्रपति चुनाव में कम भागीदारी हो जाएगी? क्या यह डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात नहीं है? कि है नहीं है, दिखने में तो डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात है कि सारे राज्यों के विधायकों की वोट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन असल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा भारत राज्यों का संघ है और राज्य क्या होते हैं? राज्य में पहला पॉइंट क्या लिखा है? राज्य में क्या होना चाहिए? जनसंख्या। मेरी बात समझे? जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, उस राज्य के विधायक को भी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं इस तरह से कि उसके वोट वैल्यू का या उसके मत का वैल्यू, उसके मत का मूल्य ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और जिस राज्य के विधायक, जिस राज्य में जनसंख्या कम है, उसे इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं कि उसके, उसका मत है तो, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में, बाकियों की तुलना में उसके मत की वैल्यू कम है, मत का मूल्य कम है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, आखिर जनसंख्या वाला मतलब फैक्टर है। ऑफ कोर्स जहां पर जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी, लेकिन सपोज मेरे पास 5 रोटियां हैं, दो लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप खड़े हो जाते हैं, अरे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और आप खड़े हो जाते हैं, ये दो लोग प्रत्याशी हैं, देख लीजिए इनकी ओर ध्यान से देख लीजिए सब, ठीक है, ये दो प्रत्याशी हैं मेरे पास, और मेरे पास से कुल मिलाकर 6 रोटियां, कितनी रोटियां हैं? 6, है ना? देखा जाए तो मुझे इन दो को बराबर बराबर बांटना चाहिए, 3 और 3 बांटना चाहिए। क्या मेरी बात समझे? लेकिन अब पहले बार इन लोगों को देख लीजिए, अब बताइए मैं किससे ज्यादा दूं, किससे कम दूं? आदित्य को ज्यादा दूं, आपका क्या नाम है? सोनल को ज्यादा दूं? आप देखिए बताइए किसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है रोगियों की? अरे सच में देख के बताइए, आज भैया की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सोनल दीदी की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? बैठ जाइए।
जो ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वो ज्यादा जगह नहीं घेरेंगे, कभी टेम्पो में बैठे हो क्या सब बराबर बराबर साइज के आते हैं क्या है? दो आंटी के बीच बैठो कभी, अरे बोलो बोलो भाई, दो आंटियों के बीच बैठो, जगह मिलती है बैठने की, समझ गए? जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है सीट की उतनी जगह लेगा ना, है ना, और जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, जिसकी जरूरत कम है वो कम सीट लेगा, कम जगह घेरेगा। तो ठीक इसी तरह से जिस जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूपी की, बिहार की और वेस्ट बंगाल की, वहां के पद का मूल्य ज्यादा है, और जिस जगह जहां पर जनसंख्या कम है सिक्किम है ना, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ के विधायकों की मत मूल्य जो है वो कम। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला कॉम्प्लिकेशन जो ये जो हमने सॉल्व कर लिया था, अभी लिखवा दिया हूँ, समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिए इस बात का। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है वो कौन लिखेगा? राज्य के विधायक का मत मूल्य, राज्य के विधायक के एक मत का मत बराबर, राज्य के विधायक के एक मत का मत विधायक की है ना, विधायक एक विधायक का मूल्य की बात कर रहा हूं, एक मत का मूल्य, ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? बराबर राज्य की जनसंख्या, नोट करिए लोग, राज्य की जनसंख्या बटे क्या होना चाहिए? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? राज्य की विधानसभा के अगेन निर्वाचित सदस्य, मेरी बात समझ में, इलेक्टेड, ठीक है, नामित होते हैं क्या? नोट करिए, विधानसभा से बात कर रहे हैं, कौन से इसमें भी नामित होते हैं? क्या चीज़? विधानसभा में भी नामित होते हैं, नागरिक सभा नामित होते हैं उसमें, हाँ अच्छा, नामित कर रहे हैं, क्यों नहीं नामित गवर्नर करेगा? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित ठीक है, निर्वाचित एमएलए लेते हैं, निर्वाचित सदस्य वही यानी मतलब क्या होगा, वही इलेक्टेड एमएलए से बात हो रही है, याद करो इलेक्टेड एमएलए निर्वाचित सदस्य या फिर सीधे विधायक में पहुंचे जो निर्वाचित विधायक है, इलेक्शन का विधायक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड एमएलए की बात, निर्वाचित यानी कि चुनाव, वही जो विधानसभा का चुनाव होता है वही तो सदस्य जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को तो विधायक बोलते हैं, गुणे गुणे एक बटे हजार, चलिए सबका कारण बन जाता है, अब बताइए क्या हर राज्य की जनसंख्या बराबर है? नहीं है, हर राज्य की जनसंख्या बराबर है? नहीं है, क्या हर राज्य में समान रूप से विधायकों का वितरण है? नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया ना? तो जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है और विधायक कम है, उस राज्य के विधायक का मत मूल्य ज्यादा करो, जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है और निर्वाचित सदस्य कम, क्या उस राज्य में मत मूल्य ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, अरे बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? और इसीलिए इसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि यह अनुपात में है, राज्य के विधायक का एक मत का मूल्य अनुपात में है राज्य की जनसंख्या का, क्या मेरी बात समझे? अरे बोलो क्या मेरी बात क्लियर हो गई? राज्य के विधायक का
मतमूल्य जो है वो अनुपात में है ना राज्य की जनसंख्या के, इसीलिए से बोल रहे हैं अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रणाली। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शन से अनुपात। कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस अनुपात में जनसंख्या है उसी अनुपात में विधायक नहीं हो सकते, क्योंकि विधायक हो सकता है कहीं पर कम जनसंख्या में थोड़े ज्यादा हो गए, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या में थोड़े कम ही रह गए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हर डिस्ट्रिक्ट का क्या बराबर बराबर होता है क्या जनसंख्या? नहीं। और 10-20,000-50,000 लोगों के लिए एक नया तो विधानसभा नहीं बना देंगे। क्या मेरी बात समझा रही है? तो इसी वजह से राज्य की जनसंख्या को लिया गया, कंसिडर किया गया, ठीक है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या ही डिसाइड करेगी कि राज्य के विधायक का मतमूल्य प्रेसिडेंट के चुनाव में कितना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? याद रहेगा। और 1/1000 से उड़ा गया तो आसान है, बता दो 1/1000 से उड़ा क्या गया? 1000 लोगों पर एक लोग को देखा। हाँ, क्यों क्यों? हजार 10,000 उत्तर प्रदेश अकेले ही इतना बड़ा राज्य है कि अगर यह राष्ट्र होता तो विश्व का 5वां सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होता। और इंडिया पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया तब भी फर्स्ट सेकंड में बना रहता है। क्या मेरी बात समझे? अरे बोलो, ठीक है। तो जनसंख्या इतनी अलग, इसीलिए उसे कम करने के लिए जनसंख्या के प्रभाव को बार बार पर लंबा सा आंसर आएगा, है ना, वोट की वैल्यू आ रही है 1000, इससे लंबा सा आ रहा है, उसे कम करने के लिए क्या किया गया? 1/1000 से कूड़ा कर दिया गया। क्या मेरी बात समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एकदम क्लियर हो गया? 1/1000 से कूड़ा कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, है ना, 1/1000 से गुणा करके थोड़ा सा उसे इसी तरह से अनुपात में ला रहे होते, कम करके ला रहे होते। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे जितना जैसे 20 और 30 में छोटाई बढ़ाई है, समझ रहे हो ना, वैसे ही 2 और 3 में भी तो है, तो उसी तरह से कर लिया गया। 1/1000 से की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या की वजह से मतों का मूल्य बहुत बड़ा बढ़ा रहा है ना, इसीलिए 1/1000 से बढ़ा कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, सो गए आप लोग, जग रहे हो तो नींद आ रहा है? काजल जमाई आ गया? चलो, कितना क्लियर हो गया या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चल चल, याद रखिएगा ये अनुपात वाला साइन बना लीजिएगा, याद रखिएगा ये साइन बना लीजिए अनुपात वाला, इस तरह से कि राज्य के विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या के अनुपात में है, और इसीलिए इसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और इसका मतलब यही हो गया, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बस्ती के एमएलए के वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन में और लखनऊ के एमएलए के वोट वैल्यू यानी कि मत का मूल्य क्या समान है, अलग 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 राज्य के बस्ती के निर्वाचित जो एमएलए हैं, है ना, इनकी वोट वैल्यू इनके मत का मूल्य और लखनऊ के एमएलए का वोट वैल्यू, समझ लो ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा क्योंकि वो एक ही राज्य का हिस्सा है, राज्य की जनसंख्या वाला फैक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या नहीं लेना है, किसका जनसंख्या लेना है? राज्य का लेना है। क्या मेरी बात समझे? अभी इतना नहीं कर पाए कि डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या सबका अलग अलग निकाले, है ना, उस हिसाब से इतना ज्यादा अनुपात में नहीं कर देना है, वरना पागल हो जाएंगे कैलकुलेट करने वाले, है ना, मैथमेटिशियन आर्गुमेंट को बुलाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन समीकरण बनेगा, ठीक है, ये अब कह सकता है, कहने का कह सकते हो कि आप पूरी तरह अनुपात में कहां पर है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा जनसंख्या है उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार में नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? इतना परेशान नहीं करेंगे, चुनाव भी तो करवाना है ना, फिर रिजल्ट भी निकालना है, ऐसा ना हो कि 5 साल बीत जाए कैलकुलेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझे? इसी वजह से एक राज्य के विधायकों का मतमूल्य समान होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के विधायकों का मतमूल्य अलग अलग लिखा, कहीं भूल जाओगे सब देखो, कहीं जिस बात को आपने ये बताया लिखो कहीं साहब।
देखो एक राज्य के विधायकों का मतमूल्य समान होता है जबकि अलग अलग राज्यों के विधायकों का मतमूल्य अलग अलग होता है। क्योंकि विधायक ये लिखिए विधायक का मतमूल्य जनसंख्या पर निर्भर करता है, लिखा है लिखो 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 क्योंकि विधायकों के मत का मूल्य किसी राज्य के विधायक का मत का मूल्य क्योंकि किसी राज्य के विधायक का मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, इसी वजह से इस प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लिखू मैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्योंकि किसी राज्य के विधायक के मत का मूल्य है ना राज्य की उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। इसी व्यवस्था को अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। लिख लीजिएगा क्योंकि विधायकों का मतमूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि विधायकों का मतमूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि विधायकों का मतमूल्य राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है, ऐसे कि अनुपात में होता है, इसीलिए इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। एक और पॉइंट को इतने समझते हैं थोड़ा सा। अब दिक्कत क्या होगी, 60-70 के दशक में, 60-70 के दशक में, 1960 के दशक में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए जनसंख्या नियंत्रण संबंधी, सुना ही होगा है ना, जागरूकता अभियान चलाए कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या विस्फोट हो रहा था है ना, जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब होता है, एक लेकिन बहुत थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं, कुछ राज्य जागरूक हो चुके थे, स्पेशली साउथ इंडिया के राज्य, साउथ इंडिया समझते हो, दक्षिण भारतीय जो राज्य है वहां पर जागरूकता ज्यादा है, जो नॉर्थ इंडिया के राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल समझ रहे ना मध्य प्रदेश, यहां पर जागरूकता की कमी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हम यह देखते हैं कि 60-70 के दशक के बाद ठीक है जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर तो जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम की वजह से जनसंख्या में काफी ज्यादा नियंत्रण हुआ है ना, जो जनसंख्या पे कंट्रोल हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, जनसंख्या पे बहुत नियंत्रण हुआ है, जनसंख्या की प्रवृत्ति में सुधार हुआ है, क्या मेरी बात क्लियर है, बढ़ती हुई प्रवृत्ति थोड़ी सी घट रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अरे आधी दुनिया पैदा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़ लोग, क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो भगवान का आशीर्वाद लग रहा था, क्या मेरी बात क्लियर है, तो उत्तर प्रदेश में जो लगातार बहुत जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी और बंगाल में भी, तो अब दिमाग लगाओ सोचो इधर देखो, अगर उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या कमी हो रही है, तो क्या ये अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, और वो क्यों रहे बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, जैसे कोई पाप कर दिया, मेरी बात समझे, क्या जनसंख्या नियंत्रण करना कोई पाप है, नहीं ना, वो तो सरकार के कहने पर सरकारी योजनाओं के अनुसार जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे थे,
अरे बोलो, मेरी बात समझ रही है? इससे खामियाजे कैसे गुजरना पड़ रहा है वहां पे विधायकों को, कैसे गुजरना पड़ रहा है कि उनके मत का मूल्य कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, मेरी बात समझ? और उत्तर ठाकुर जनसंख्या बढ़ाकर मतलब का मूल्य बढ़ता जा रहा है, क्या मेरी बात समझ? तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? इससे बचने के लिए 1971 की जो जनसंख्या थी, 1971 का सेंसस जारी हुआ था, जनगणना हुई थी, 1971 की जनगणना के अनुसार ही उस समय जो राज्यों की जनसंख्या थी उसे लिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? 60-70 के दशक के बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई उसके वजह से दक्षिण भारत में जनसंख्या का ग्रोथ कम नहीं है, धीरे धीरे हुई है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के कामों पर जो भी नहीं रहेगी, इसकी वजह से उत्तर भारत के विधायकों के मत की वैल्यू बढ़ रही है। क्या मेरी बात समझ? और दक्षिण भारत के विधायकों के मत की वैल्यू कम हो गई। क्या मेरी बात है? इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया कि 1971 की जनगणना के अनुसार ही राज्य की जनसंख्या ले ली गई, ताकि ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के विधायक के मत की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, 5-6 हो जाए, और वहां दक्षिण भारत के विधायकों के मत की वैल्यू कम रह जाए। एकदम समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस चीज को आगे चलकर 84वें संविधान संशोधन में किया गया है। नोट कर लीजिए, 84वें संविधान संशोधन में कि 2026 तक हम 1971 वाली ही जनगणना को मानकर चल जाए। अरे बोलो, नहीं समझा? आगे पक्का? तो बोला पर तो मुझे लगता है कि समझ ही नहीं आया। समझा? पक्का? नहीं समझा? ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से थोड़ा सा समझे, सबसे सिंपल शब्द बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जनसंख्या की प्रगति अलग अलग दरों से हुई है, जनसंख्या का विकास अलग अलग दरों से हुआ है, यानी कुछ राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कुछ राज्यों में जनसंख्या कम रह गई है। जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी है ना, वहां के विधायकों का मत मूल्य बढ़ जाएगा। जिन राज्यों में जनसंख्या कम हो रही होगी वहां के विधायकों का मत मूल्य कम हो रहा होगा। तो यानी कि जो लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं है ना, जो अपने अपने यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट योजनाओं की वजह से, जागरूकता की वजह से जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, वहां के विधायकों का मत मूल्य कम हो रहा होगा। और जो अपने यहाँ जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे उनके यहाँ विधायकों का मत मूल्य बढ़ रहा है। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अरे पार्शियलिटी तो है, पक्षपात तो है, अजीब तरह की पार्शियलिटी। जो गलत काम कर रहा है उसे अवार्ड नहीं जा रहा है, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसी से बचने के लिए ये किया गया था। देखोगे 84वें संविधान संशोधन कब आया था? 2001 में। 2001 के तहत 2026 के पहले तक के चुनाव में 1971 की जनगणना ही मान्य हुई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिएगा जल्दी से। इसमें लिखवाते हैं, समझ में आ गया। देखिए, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन अंदर ये राज्यों की भागीदारी, जनप्रतिनिधि राज्यों की भागीदारी, उनकी जनसंख्या के अनुसार होती। उनकी जनसंख्या के अनुसार होती जिसके तहत 1971 की जनसंख्या, सॉरी 1971 की जनगणना का, या जिसके लिए 1971 की जनगणना को
170 की जनगणना था। आधार माना गया 1971 की जनगणना को आधार माना गया। देखिए राष्ट्रपति के चयन में संसद यानी कि भाई सांसद जो वहां के संसद के प्रतिनिधि है वो सांसद, ठीक है, तो लिखिएगा संसद की भागीदारी। संसद की भागीदारी भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जबकि राज्यों की भागीदारी संघीय ढांचे को मजबूत करते हैं। इसके आगे रखिएगा अमेरिका में हर एक राज्य को बराबर वोट मूल्य मत मूल्य दिया गया है। जबकि भारत में राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना क्लियर हो गया? बताओ अमेरिका वाला सिस्टम अच्छा है या इंडिया वाला? इंडिया वाला एकदम श्योर? चलो वेरी गुड, है ना, इंडिया वाला सिस्टम बेटर है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं माना जाता, यहाँ पर राज्यों में जनसंख्या का महत्व है ना, लोगों के ओपिनियन का महत्व है, वो दिखा रहा है कि अगर विधायकों के पास ज्यादा जनसंख्या है और उसके बाद भी वो इलेक्ट कर आए हैं, यह कहीं ना कहीं लोगों से संबंध हो गया, क्या मेरी बात है, लोगों के मतों का प्रदर्शन है विधायक के लिए, नहीं बात सर? चलो वेरी वेरी याद कर लीजिए, याद रखना इसी में इंडिया आता, ठीक है, लिखिएगा आगे। अच्छा, वोट वैल्यू ऑफ एफपी की बात कर लेते हैं जल्दी से, काफी आसान है। अब चाहे अच्छा ये बताओ लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी की वैल्यू सेम होगी, वोट वैल्यू कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी, सेम होगी, अलग अलग होगी, राज्य में राज्यसभा के एमपी की वैल्यू बोल रहा हूँ, दोबारा लोकसभा के एमपी यानी सांसद का वोट मूल्य मत मूल्य और राज्यसभा के सांसद का मत मूल्य समान होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, एमपी कहीं का करता, क्या मेरी बात समझ? एमपी कहीं का भी उसकी वोट वैल्यू सेम हो जाती है, नोट करोगे? राज्यसभा लोकसभा की बात, जगह की बात नहीं कर रहे, लोकसभा और राज्यसभा की बात, ठीक है, लिखिएगा सांसदों के मतों का
चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, दोनों जगह समान है या समान है? सिर्फ सांसदों के, सांसदों का मत हो चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, समान है? अब दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब सोच के बताओ कि बस्ती के एमपी की वैल्यू, वोट वैल्यू यानी कि मत का मूल्य, और बेंगलोर के एमपी की वैल्यू मत का मूल्य सेम होगी? अलग अलग होगी? पक्का अलग अलग सेम होगी क्या? अलग 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 कोई बहुत गुस्से में सेम होगा बोल रहा है? सही बात है, मेरी बात समझ में? वोट वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्यों? कारण बताओ मुझे जल्दी से। तो कल का सिकार नहीं चलेगा, कारण बताओ क्यों सेम से? क्या कहा था? लोग तो अलग अलग है, जनसंख्या अलग नहीं है? जनसंख्या अलग अलग है, बैंगलोर की बस्ती की एक ही है। और बैंगलोर के एमपी की वोट वैल्यू, वोट वैल्यू नहीं मतलब सेम होगा अलग अलग? पद से क्या मतलब? पद तो एमएलए का भी सेम है, चाहे बस्ती का एमएलए हो चाहे चाहे राजस्थान को एमएलए हो या बैंगलोर को एमएलए, पद तो सेम ही है। हाँ मैं भी बोलूं, क्योंकि एमपी जो है वो संघ को प्रदर्शित करते हैं। वहां भी क्या लिखा है पहली चीज कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एमपी सांसद चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं प्रेसिडेंट की, या क्या दिखा रहा है? या दिखा रहा है केंद्र को, दिखा रहा है केंद्र के रोल को दिखा रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। क्या मेरी बात समझ? जबकि एमएलए क्या दिखा रहे थे? अलग अलग राज्यों के रोल को दिखा रहे थे, अलग अलग राज्यों की भागीदारी को प्रदर्शन करने के लिए विधायकों का मत मूल्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अलग अलग सांसदों के मत का मूल्य अलग अलग हो जाएगा, एक ही होगा। कि सांसद किसे दिखा रहे हैं? केंद्र को दिखा रहे हैं। अरे बोलो, सांसद केंद्र सरकार में आके बैठते हैं, राज्य सरकार में? केंद्र सरकार में आके बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ? कोई सांसद, बात नहीं करिए, कोई सांसद अगर मिनिस्टर बनता है तो क्या केवल अपने क्षेत्र के लिए योजना बनाएगा या पूरे राष्ट्र के लिए बनाएगा? पूरे राष्ट्र के लिए बनाएगा। क्या मेरी बात समझ? तो सांसद जो है जो संसद में चुनके गया वो केंद्र स्तर पर। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करिएगा इस बात पर। देखिए देखिए, सारे सारे सांसदों के मतों का मूल्य, सारे सांसदों के मतों का मूल्य एक समान होता है, ठीक है? और अगली लाइन लिखेगा, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य। हम कौन से सांसद की बात कर रहे हैं? दोबारा देखते हैं, निर्वाचित का, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य बराबर लिखेंगे, मत मूल्य बराबर लिखो। लिखेगा पहले ऊपर लिखेगा, यानी कि अंश बोलते हैं ना ऊपर वाले, अंश की जगह पर लिखेगा सारे निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटे सारे निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटे सारे निर्वाचित विधायकों का मतमूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसद या संसद में कुल निर्वाचित सांसद, संसद में कुल निर्वाचित सांसद
क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक तो समझ आ गई, ठीक है। अब एक और बात करनी है हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरण प्रणाली की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना, एकल हस्तांतरित या एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली समझेंगे। ऐसा आप एक काम करिए, आज इस चीज को आप पढ़ कर आएंगे, एकल हस्तांतरित प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एकल संक्रमणी वोट प्रणाली। ठीक है, अभी ये वाला क्लियर था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अनुपात। चलो अभी ठीक है, एक दिन आपने और अच्छा क्लास करने पड़ेगा। देखिए संडे को कोशिश करते हैं, कृपया करके जब भी अच्छा क्लास आती जाए तो आ जाए। जब मेरा पढ़ाने का बोल रहा तो आपको पढ़ने का कैसे बच्चे? अरे बोलिए, इस बार अगर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आइए, ठीक है? सब लोग प्रेजेंट रहिएगा, कोई एब्सेंट नहीं चाहिए। जिसकी बहुत मजबूरी है वो एब्सेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है बात करा दिया। आए थे दो चार तुमने कुछ नहीं, कैसे आइए इसको लेंगे? ऐसा तो होता ही नहीं है, हम लोग खुद आए थे। बहुत हल्का फुल्का बारिश, अगर आ सकते तो आइए, है ना? अगर ऐसे बहाने बताएंगे तो आगे से भी बहाने बनाएंगे। भैया सपनों की प्राप्ति